लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। जनपद वाराणसी के ग्रामीण थाना क्षेत्र कपसेठी राजतालाब में शनिवार को जनसुनवाई के दौरान कुल 9 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें सभी भूमि विवाद के मामले जनसुनवाई अधिकारी के समक्ष आई। थाना कपसेठी में जन सुनवाई करते हुए तहसीलदार राजतालाब, प्रशिक्षु उप जिलाधिकारी मीनाक्षी पांडेय, सीओ बड़ागांव जगदीश कालीचरण, प्रभारी निरीक्षक कपसेठी अनिल कुमार मिश्रा, राजतालाब प्रभारी निरीक्षक रामाशीष ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी भूमि विवाद को टीम गठित कर जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। बता दीजिए सर, मेरा परिचय भोलानाथ राजभर है। मैं एक समाज सेविक हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं समाज का काम फंसता है तो वहाँ पर जाकर समझाने बुझाने का काम करता हूँ। आज जो आप कमसेठी थाना अंतर्गत सरावा गांव में आए हैं, क्या मामला था जो आप समाधान दिवस पे पहुँचे हुए थे? सर, हमने एक बार यहाँ पर आया और ये चार भाई थे निर्मला के, चार जेठौत और देवर थे। इन लोगों में जमीन संबंधित विवाद था। लोगों को बैठाकर समस्या का समाधान किया। चारों लोग तैयार हैं कि आप अपना घर बना लीजिए, मगर विपक्षी जो ओम प्रकाश राजभर, जिसका वहां पर कुछ नाम दर्ज ही नहीं है, वह आकर दबंगई और जो विपक्षी जिसका नाम दर्ज, उसका क्या नाम है? ओम प्रकाश राजभर जी दबंगई के बल पर घर रोकना चाहता है, जबकि ये विधवा है। तो आप थाना समाधान दिवस पर गए थे, उस पर क्या सुनवाई हुई इस महिला का? उसमें श्रीमान जी SDM साहब राजा तालाब के उपस्थित थी महिला। उन्होंने कहा इसका शीघ्र सुनवाई हम करके आपका घर बनवा देंगे, आप चिंता न करें।